तो वो आज कैसे लुप्त हो जाएगा? बाकी मुझे नहीं पता कि आपको ये यहाँ पे कैसे पता चला कि जो ये लुप्त हो रहे हैं कैलाश पर्वत, कब्जा किया तिब्बत पे, और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पे रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, वहाँ पे ना जाने बहुत सी गुफाएं मिली और उन गुफाओं में मतलब किया गया है। तो आज हम इस मतलब हम जो जिन शहरों में रह रहे हैं वो हम लोग उस चीज को फील ना कर पाए, क्योंकि अभी हमारी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही मेटलिस्टिक लेवल की वाइब्रेशन है। हम अपना मतलब रोजमर्रे की लाइफ में कि हमको साक्षात भगवान शिव के दर्शन भी हुए हैं, मतलब मैं वैसे नहीं कहता कि वो प्रकट होकर दर्शन दिया है, पर उनकी आकृति ऐसे उभर के आती थी जो कि मैं भी जब देखता था मुझे गूज बम्स हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि बताओ। जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं देवेश जी, आप अच्छी तरह से इनको जानते हैं, हमने काफी समय पहले भी एक बार बात किया था और अभी फिर से कर रहे हैं एक अलग टॉपिक पे जो कि आज के समय में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी होने वाला है और काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट भी किया था मुझे पर्सनली भी कि इस टॉपिक पे बात की जाए। तो देवेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफी समय बाद बात हो रही है। तो थैंक्स, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे दोबारा इनवाइट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कैलाश पर्वत होने वाला है। आपको पता है भगवान शिव का कैलाश पर्वत, तो आजकल वैसे इसको लेके बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कई सारी चीजें बोल रखी है और आजकल एक ऐसी भी हवा चल रही है कि कैलाश पर्वत लुप्त हो रहा है या फिर खत्म हो रहा है और कलयुग के अंत के कारण ऐसा हो रहा है। तो सबको भी क्लियर करेंगे मेनली आखिर मिस्ट्री है क्या इसके अराउंड, उसी को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो देवेश जी से जानते हैं कि क्या है आखिर कैलाश पर्वत में। देखिए कैलाश पर्वत, सबसे मैं इन शॉर्ट बोलूं, कैलाश पर्वत तो एक वैसे ही है जैसे प्रभु का अनंत जो कृपा है, जो गुण है, और उसके बारे में तो जो हम थोड़ा बहुत ही जानते हैं, ज्यादा तो उसकी बारे में कहना या उसकी मतलब कल्पना करना भी हमारे हमसे परे है। और जो ये कहते हैं कि कैलाश पर्वत लुप्त हो रहा है कलयुग में, तो मैं ये कहता हूँ कलयुग तो आज का शुरू नहीं हुआ ना, कलयुग को शुरू हुए तो ना जाने कितने हजारों साल हो गए। तो उन हजारों साल में जब कैलाश पर्वत लुप्त नहीं हुआ और जो आज भी मौजूद है और आज भी ना जाने कितने महात्माओं और ना जाने कितने योगियों का आज वो तप स्थल है जहाँ पे जो योगी है तप करते हैं, तो वो आज कैसे लुप्त हो जाएगा? बाकी मुझे नहीं पता कि आपको ये यहाँ पे कैसे पता चला कि जो ये लुप्त हो रहे हैं कैलाश पर्वत, और लोग अपनी अपनी जो भी है जहाँ से भी कुछ उठाया थोड़ा बहुत ज्ञान वो उठा के बोलने लगते हैं, तभी कहते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है। और तो बाकी कैलाश के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे एक ऐसी वाइब्रेशंस हैं जहाँ पे ना जाने हजारों सालों से बल्कि लाखों सालों से योगी वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। मैं भगवान शिव और उनके जो कैलाश पर्वत के बारे में बाद में आता हूँ, मैं पहले मैं ये बताता हूँ कि 1960 के दशक में जो मायो राष्ट्रपति थे आपके चाइना के, जब उन्होंने तिब्बत को मतलब कब्जा किया तिब्बत पे, और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पे रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, वहाँ पे ना जाने बहुत सी गुफाएं मिली और उन गुफाओं में मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे बोन्स थे, हड्डियाँ फैली हुई थी, और जब उनकी कार्बन डेटिंग हुई ये तो पता ये चला कि वो जो हड्डियाँ हैं वो 8000 साल से लेकर 10000 साल तक की मतलब वो हड्डियाँ हैं। तो आप सोचिए कि वहां पे कितने योगी वहां पे वो तपस्या करते हुए उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया है, और वो एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है, बहुत ही मिस्टीरियस है। और कई लोग तो ऐसा कहा भी गया है कि वो जो पृथ्वी का वो सेंटर पॉइंट है, और जो भी जितने भी जो आपके तीर्थ जो करने वाले लोग हैं तो वो जब वहां पे दर्शन के लिए करने गए तो उनको मतलब ऐसा वाइब्रेशन फील हुआ
जो हम लोग जो आज शहरों में रहते हैं वो उस वाइब्रेशन को फील ही नहीं कर सकते। आप बहुत से बुक्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, जिसमें से मैं एक बुक का नाम लेता हूँ, आई सॉ लॉर्ड शिवा ऑन द वे टू द माउंट कैलाश। तो वहां पे मतलब उस बुक में इतना कुछ विवरण दिया गया है, इतना कुछ बताया गया है माउंट कैलाश के बारे में, और जो तीर्थ यात्री हैं जो जाते हैं मानसरोवर और जो उसके आसपास रहते हैं वो कहते हैं, वो बताते हैं कि वहां पे डमरू की आवाज सुनाई पड़ती है। आप क्या ये इमेजिन कर सकते हैं? और वो आपकी जब बातें यूट्यूब पे भी है आप, और आज ना कितने बुकों में लोगों ने अपनी रियल फीलिंग्स उसको शेयर की हुई है, कितने ब्लॉग्स लिखे गए हैं इस पे, उस चीज को शेयर किया गया है। तो आज हम इस मतलब हम जो जिन शहरों में रह रहे हैं वो हम लोग उस चीज को फील ना कर पाए, क्योंकि अभी हमारी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही मेटलिस्टिक लेवल की वाइब्रेशन है। हम अपना मतलब रोजमर्रे की लाइफ में हम क्या करते हैं, सुबह उठना, भाई जिसको स्कूल जाना है बच्चों को स्कूल जाना है, जिसको जॉब के लिए जाना है जॉब करने के लिए जा रहा है, और जो गृहणियां हैं भैया मॉर्निंग में उठ के अपनी फैमिली को देखना, बाकी घर का काम, तो हम अभी उस स्तर से उठ ही नहीं पाते। और जो माउंट कैलाश या वो जो वाइब्रेशन है वो वहां की बात ही निराली है। क्यों? योगी का जो मतलब कहते हैं ना फेवरेट प्लेस, जो बड़े बड़े योगी रहे हैं उनका फेवरेट प्लेस माउंट कैलाश क्यों रहा है? रीजन ये कि वहां पे जब आप जाके तप करते हैं तो कहते हैं कि पृथ्वी मतलब वो भी जगह पृथ्वी में ही है, बट हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हम शहरों में अगर जो तप करते हैं या जो जप करते हैं उसका अगर एक गुना फल मिलता है, पर जो हम कैलाश में जाके जो जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका 100 गुना फल होता है, क्योंकि वहां की जो वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है जिसके बारे में शब्द कम पड़ जाते हैं। और अगर आप देखें तो पता चलता है कि वहां पे कितने लोगों को साक्षात भगवान शिव के दर्शन भी हुए हैं। मतलब मैं वैसे नहीं कहता कि वो प्रकट होकर दर्शन दिया है, पर उनकी आकृति ऐसे उभर के आती थी जो कि मैं भी जब देखता था मुझे गूस बम्स हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि बताओ। अभी उनको भोले कहा गया है ना, वो भोले बाबा है वो अपने भक्तों पे आ कारण ही कृपा कर देते हैं जब वहां पे लोग जाते हैं दर्शन करते हैं, और उनको किसी ना किसी माध्यम के द्वारा उनको वो फील और वो उनको वो आकृति बन के वो दिखा देते हैं कि हाँ मैं यहाँ मौजूद हूँ, और जो भी अपना आशीष है वो उनको प्रदान करते हैं। और वो वहाँ की चाइनीज आर्मी भी जानती है, कई वर्षों तक ये चीजें लोगों तक नहीं आ पाई। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार देवेश जी के चैनल को जरूर से विजिट कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अलग अलग तरह की वीडियोस मिलेंगी, तो एक बार चेकआउट तो जरूर से करना।